अरे बहू, ये किसके साथ घूम रही है? पक्का इसका आशिक होगा। उस शेट, पापा जी, इन्होंने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। चल रुक। पर चलना हो ना, मेरे लड़के को बेवकूफ बनाकर तू आशिक के साथ घूम रही है। तुझ पर कितना भरोसा करता था मैं, लेकिन तू भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है। पापा जी, आप ये क्या बोले जा रहे हो? जैसा आप समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अरे अब क्या सुनूंगा तेरी मैं? मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो तुझ जैसी लड़की के साथ मैंने अपने बेटे की शादी कर दी। पापा जी, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं तेरी, बना लिया और बहाने। मुझे तेरी हकीकत का सब पता लग गया है। बस पापा जी, बहुत हो गया। आप इतनी देर से बोले जा रहे हो, मैं सुने जा रही हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे और मैं अपनी इंसल्ट सुनती जाऊंगी। देखिए पापा जी, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। नहीं बेटा, मैं ज्यादा कर नहीं रहा, ज्यादा सहन कर रहा हूँ। तू घर चल, मैं घर जाकर अपने बेटे को सब कुछ बताऊंगा और तेरा और उसका तलाक करवाऊंगा। पापा जी मेरी बात तो सुनिए। मैंने बोला था ना, अगर घर वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वही हुआ। रोशन, क्या हुआ पापा? अरे तेरी बीवी आशिक के साथ घूम रही है, उसे इश्क लगा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या बोल रहे हो आप? वो किसी और के साथ क्यों मजाक कर रहे हो पापा? तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ। ठीक। पूछ इससे, कहाँ से आई है? पूछता हूँ। श्वेता, तुम कहाँ गई थी? मैं कुछ सामान लेने गई थी। और ये पापा क्या कह रहे हैं कि तुम किसी के साथ घूम रहे थे, कोई आशिक? ये सब क्या चल रहा है? अरे तुझे दिख नहीं रहा, उसका आशिक सामने ही तो खड़ा है। ये उसका मुंह बोला भाई है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसका नाम सुमित है। क्या ये भाई है? तो फिर पूछ इससे, ये तुझे बिना बताए बाहर क्यों गई थी? हाँ पापा, ये इसका भाई है। आप इसको लेके शक कर रहे थे? वही मैं कहूँ, शीतल ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ शीतल, ये तो बताओ तुम बाहर गई क्यों थी? और तुम्हें कहीं जाना था तो मुझे बताती, मैं लेके जाता। दरअसल मैं बताता हूँ बात क्या है। दीदी को मार्केट जाना था आपके लिए गिफ्ट लेने, कल आपका बर्थडे है ना, इसलिए। और वो आपको इसलिए नहीं बता रही थी ताकि आपको सरप्राइज दे सके, और इन्हें कोई मिल भी नहीं रहा था कि इनके साथ मार्केट जा सके, तो इन्होंने मुझे बुला लिया और फिर इन्होंने देख लिया हमें साथ में। इन्होंने गलत समझा और दीदी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। आप मुझ पे इतना तो हक रख सकते हैं ना कि मुझ पे भरोसा कर सके? मैं आपकी बहू हूँ और आपने बिना सोचे समझे मुझ पे शक किया और तो और मुझे सबके सामने वहाँ पे बीच रोड पे थप्पड़ मार दिया। और पापा, एक बात बोलूँ, आप लोग इतना भरोसा करिए मुझ पे कि मैं आप लोगों को कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे इज्जत का ख्याल है। बेटा मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। आज समझ आ गया कि गलत फहमी ही रिश्तों को तोड़ती है। हाँ, इसलिए परिवार में भरोसा रखना चाहिए, इसलिए रिश्ते टिक पाते हैं। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? छोड़िए ना, वैसे कल रोशन का बर्थडे है तो मैंने सोचा था कि मैं उसको सरप्राइज दूंगी ये गिफ्ट देकर, तो अब तो सरप्राइज रहा नहीं। तो एक काम करो, आप ये खोल के बताओ कि मैंने ये जो गिफ्ट लिया ये रोशन के लिए कैसा है। हाँ, आप क्या गेट पे खड़े होकर बातें करते रहोगे? आओ बैठ के बातें करते हैं, जो हुआ सो हुआ, आप छोड़ो उसे। हाँ सही कह रहे हो, चलो सुमित बैठो, आओ।